ओके सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आपको मैंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में बता दिया, आपको मैंने डोबिनियर के ट्रायड के बारे में बता दिया, ठीक है। एक हल्का सा रिवीजन आपको दे देती हूँ। लॉ ऑफ ट्रायड में क्या हुआ था कि तीन तीन का ग्रुप बनाया था डोबिनियर ने और बोला था कि द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ टू एलिमेंट्स इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। ओके, ये डोबिनियर ने बोला था। ओके, न्यूलैंड ने क्या बोला था कि प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ द एट्थ एलिमेंट, ठीक है, ये न्यूलैंड ने बोला था। लोथर मेयर के बारे में भी हमने डिस्कस करा था। अब आई बारी मेंडलीव की। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था बेटा, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ उस टाइम, ठीक है, और वो था भी बड़ा आप ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इतना अच्छा चीज़ें थी उसमें कि उस टाइम 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे और सारे के सारे एलिमेंट्स मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में अरेंज हो गए थे, ठीक है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो था, ठीक है, उन्होंने उन एलिमेंट के लिए भी जगह छोड़ी थी जो उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए। चलो वो तो मेरिट्स की बात है मेंडलीव की, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले बता देते हैं कि टेबल पीरियोडिक टेबल था क्या। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव बेटा, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा, उन्होंने भी न्यूलैंड की तरह क्या बोला कि अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के ऑर्डर में एलिमेंट्स को बेटा अरेंज करें कि सबके एटॉमिक मासेस को किस कैसे ऑर्डर में रख दें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख देना, ठीक है, तो हर रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज अपने आप को रिपीट करेंगी, ठीक है। तो आप बोलेंगे मैडम ये तो न्यूलैंड ने भी बोला था, बट न्यूलैंड ने बोला था बेटा कि हर एट्थ एलिमेंट जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा फर्स्ट के साथ, पर मेंडलीव ने आठ वाली कोई बात नहीं बोली, उसने बोला एक रेगुलर पैटर्न के बाद। रेगुलर पैटर्न कितना भी हो सकता है, ठीक है, वो दो भी हो सकता है, आठ भी हो सकता है, अठारह भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है रेगुलर पैटर्न, कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, सॉरी पैटर्न ही को इंटरवल कोई भी हो सकता है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज अपने आप को अरेंज करेंगी। एक्चुअली बेटा उन्होंने ताश के पत्ते लिए थे, उन पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। जब उन्होंने सबकी प्रॉपर्टी, उन्होंने मासेस सारे को सबके मासेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना शुरू कर दिया और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि एक एक सिंगल रो में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही हैं, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ अपने आप को क्या करेंगी बेटा, रिपीट करेंगी। उन्होंने बोला कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेटा, दैट डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक वेट्स, ठीक है, समझ आया, ठीक। तो उन्होंने यहाँ पे देखो उनके टेबल के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इस तरह का उनका जो था वो टेबल था बेटा, ठीक है, समझ आ गया। देखो इस तरह से अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिए हैं बेटा, एनसीईआरटी में ऐसा दिया है, कई बुक्स में ये वाला जीरो पीरियड दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है, कई बुक्स में उन्होंने ऐसे बताया था कि सिंपल वन से शुरू है यहाँ से, क्योंकि ये वाली चीज़ बहुत सी बुक्स में नहीं शो करी हुई है, क्योंकि जो नोबल गैसेज हैं बेटा वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बाद में डिस्कवर हुई थी, ठीक है, पर उन्होंने एक ग्रुप खाली छोड़ा था उस टाइम। उन्होंने बोला था कि लेटर ऑन यहाँ पे कोई एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, लेकिन तब ये पता नहीं था कि नोबल गैसेज आएंगी, समझ आ गया आपको, ठीक। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरह से अरेंज किया बेटा, वन, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन तक उन्होंने बेटा यहाँ पे शो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने दो सब ग्रुप भी बनाए थे, वन ए एंड बी, और जो एट्थ आपका जो उनका ग्रुप था, ठीक है ना, ये सारे क्या हैं, ये ग्रुप्स हैं नीचे की तरफ को, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, ठीक है, यहाँ पे अगर जीरो से लेके चलेंगे तो आठ हो गया और ये नवा हो गया, पर अगर जीरो को नहीं कंसीडर करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन और एट, एट ग्रुप्स थे बेटा, ठीक है, और पीरियड कितने थे, तो वन टू थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन वैसे उनके भी सेवन ही पीरियड्स थे, ठीक है,
तो यहाँ पे इन्होंने कितने दे रखे हैं, सिक्स दे रखे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अरेंजमेंट कैसे थी उनकी बेटा, उन्होंने इस तरह से सब ग्रुप लिए थे। उन्होंने बोला था कि एलिमेंट्स जैसे सिमिलर होंगे, जैसे ये फर्स्ट सब ग्रुप है तो इसमें आएगा लिथियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो इनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी, ठीक है, ठीक। और साथ में हाइड्रोजन, सोडियम, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सिमिलर रहेंगी। मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था। और उन्होंने बोला कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करता जाता है, सॉरी मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करता जाएगा और नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। आपको ये पीरियोडिक टेबल मेंडलीव वाला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लेना आप कि कैसे कैसे अरेंज किया था उन्होंने। एक्चुअली उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ ली थी वो कौन सी ली थी बेटा, एक उन्होंने लिए थे ऑक्साइड्स और एक लिए थे हाइड्राइड्स, जो सिमिलर ऑक्साइड्स बनाते थे, ठीक है, इसको आप मत ही लो अभी क्योंकि ये मेंडलीव ने दिया ही नहीं था नोबल गैसेस, जो सिमिलर ऑक्साइड्स बनाते थे जैसे R2O, तो ठीक है, तो Li2O, Na2O, तो ठीक है, इस तरह के जो मोनोऑक्साइड्स थे वो सारे क्या थे, एक लाइन में अरेंज थे, ठीक है। सेकंड कौन से लिए उन्होंने, जिन्होंने RO बनाया, ठीक है, RO वाले ऑक्साइड जो बना रहे थे वो एक तरह में अरेंज थे, इस तरह से R2O3 जो बना रहे थे, R मतलब एलिमेंट, ठीक। तो इस तरह से उन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ को अरेंज करा था, ठीक है, कंसीडर किया था उन्होंने बेटा, ठीक है। तो उन्होंने देखा था कि अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मासेस को लेके चलें बेटा तो प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही हैं, एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रही हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया था, साथ में वो प्रॉपर्टीज़ भी देख रहे थे। तो कई जगह उन्होंने क्या किया कि एटॉमिक वेट्स को आगे पीछे कर दिया। जैसे यहाँ पे देखो, यहीं पे आपको दिखा देती हूँ मैं, ये देखो, यहाँ पे ये देखो तो आयोडीन का बेटा आप देखेंगे तो आयोडीन का एटॉमिक मास कितना है, 126.9, और टेलरियम का कितना है, 127। लेकिन उन्होंने टेलरियम को पहले रखा और आयोडीन को बाद में रखा, क्योंकि आयोडीन की प्रॉपर्टी बेटा ऊपर ब्रोमीन से रिजेंबल कर रही थी, इसलिए उन्होंने आयोडीन के बाद में रख दिया और टेलरियम को पहले रख दिया। तो ये चीज़ें उनके ड्रॉबैक्स में इंक्लूड हो गई, ठीक है। तो बोला गया कि अच्छा पहले इनकी मेरिट्स की बात कर देते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट कौन कौन थे मेंडलीव के। तो बेटा मेंडलीव का टेबल इतना फेमस इसलिए हुआ क्योंकि मेंडलीव ने क्या किया कि पूरे 63 के एलिमेंट्स जो थे वो अरेंज हो गए, ठीक है ना। ज़्यादा जो आपको आता है वो मेरिट्स और डीमेरिट्स से आती हैं, तो पूरे के पूरे 63 एलिमेंट डिस्कवर हो गए। सेकेंड थिंग क्या थी, जहाँ पर बड़ा ज़्यादा गैप पड़ रहा था एटॉमिक वेट्स में, वहाँ उन्होंने खाली जगह रख दी। खाली जगह मतलब एल्यूमिनियम के नीचे, जैसे एक मिनट, एल्यूमिनियम के नीचे उन्होंने बेटा खाली जगह रख दी और बोला कि फ्यूचर में कोई एलिमेंट ऐसा डिस्कवर होगा जिसकी प्रॉपर्टीज़ किसके जैसे होंगी, एल्यूमिनियम के जैसी होंगी, और उसको नाम दे दिया ईका एल्यूमिनियम, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि अभी नहीं है वो, लेकिन फ्यूचर में होगा वो, और उन्होंने वहाँ पर खाली जगह रख दी, ठीक है। वैसे ही उन्होंने सिलिकॉन के नीचे खाली जगह रख दी और बोला कि ईका सिलिकॉन, उसका नाम ईका सिलिकॉन रख दिया कि सिलिकॉन के जैसा ही कोई एलिमेंट डिस्कवर हो जाएगा, मतलब लेटर ऑन डिस्कवर होगा। और तो उन्होंने गैप्स छोड़े, ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट था उनका कि उन्होंने ज़बरदस्ती अरेंज नहीं किया, उन्होंने जगह छोड़ दी, बोला कि नहीं अभी नहीं है लेकिन एलिमेंट बाद में यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, ये देखो, तो बाद में ईका एल्यूमिनियम जो उन्होंने बोला था वो कौन क्या डिस्कवर हुआ, वो निकला गैलियम, और गैलियम की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल किसके जैसी थी, एल्यूमिनियम के जैसी। और सिलिकॉन के नीचे जो जगह उन्होंने छोड़ी थी वो कौन निकला, वो जर्मेनियम निकला बेटा, और जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज़ किसकी जैसी थी, सिलिकॉन, लेटर ऑन बाद में, उस टाइम तो वो उन बेचारों ने जगह छोड़ दी थी लेकिन बाद में उस जगह एल्यूमिनियम के नीचे वाली जगह में कौन आया, गैलियम, और सिलिकॉन की जगह कौन आया बेटा, जर्मेनियम आगे, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी बात थी, ठीक है।
और तो एक तरह से उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि फ्यूचर में इस तरह के एलिमेंट्स क्या होंगे, डिस्कवर होंगे, ठीक है। और एक और चीज़ उनकी बहुत अच्छी हुई कि जब वो अरेंज कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो कई कई एटॉमिक मासेस जो थे वो गलत ही लेके चले हुए थे, तो उन्होंने बहुत सारे एटॉमिक वेट्स की जो थी वो करेक्शन भी करी बेटा, ठीक है। बहुत सारे एटॉमिक वेट्स को उन्होंने करेक्ट भी किया, ठीक है। तो ये उनकी कुछ मैरिट्स थी जो क्या क्या थी, बहुत अच्छी बात थी उनकी, जो उनकी पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छी बात थी। लेकिन उनकी पीरियोडिक टेबल में कुछ डीमेरिट्स भी थी बेटा। डीमेरिट्स मतलब कि कुछ क्या थी, उनमें प्रॉब्लम भी थी, उनके ड्रॉबैक्स भी थे। फर्स्ट ड्रॉबैक तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि जिनका एटॉमिक वेट, जब वो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के हिसाब से चल रहे थे, तो उन्होंने एटॉमिक वेट्स में गड़बड़ी कर दी। जो आयोडीन वाला एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि आयोडीन को पहले होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको आगे रख दिया, तो और वो इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। सेकेंड थिंग बेटा, सेकेंड उन्होंने क्या किया, सेकेंड कि वो आइसोटोप की पोजिशन नहीं एक्सप्लेन कर पाए एटॉमिक वेट्स में। अब एटॉमिक वेट्स तो हर आइसोटोप का एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है। अगर हम हाइड्रोजन की ही बात करें तो हाइड्रोजन में जब एटॉमिक वेट की हम बात करते हैं तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, दूसरे का 2 होता है, तीसरे का 3 होता है, तो तीनों को अलग अलग जगह मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। उन्होंने तो हाइड्रोजन को एक ही जगह दे रखी थी, तो ये चीज़ भी वो क्या नहीं कर पाए बेटा, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सेकेंड थिंग, यहाँ पे देखो कि वो सिमिलर सब ग्रुप्स में बेटा सिमिलर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे लिथियम है, यहाँ पोटाशियम है, यहाँ रुबिडियम है, यहाँ सीजियम, ये ठीक है। हाइड्रोजन है, सोडियम है, ये भी ठीक है। लेकिन देखो सोडियम के नीचे कौन आ रहा है, कॉपर और सिल्वर आ रहे हैं, तो कॉपर और सिल्वर का तो सोडियम के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आगे देखो कैल्शियम के साथ उन्होंने कौन रखा है, जिंक रखा है, तो जिंक का कैल्शियम के साथ क्या लेना देना है, कोई प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, इस तरह से क्या थे कि कुछ कुछ एलिमेंट्स जो बिल्कुल, जिनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी सिमिलर नहीं थी, उनको उन्होंने एक साथ रख दिया, तो ये भी उनकी क्या थी बेटा, डीमेरिट थी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ जो थी, जो मेंडलीव की क्या थी, डीमेरिट्स रही, जिनकी वजह से उनका जो पीरियोडिक टेबल था वो क्या हो गया, फेल हो गया। और इसके बाद जो हमारे आए, जो आज हम पढ़ते हैं मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो किसने दिया था बेटा, वो दिया था हेनरी मोज़ले ने। हेनरी मोज़ले ने पीरियोडिक टेबल दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था, जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, जिसको हम आज स्टडी करते हैं। तो ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊँगी। ओके, थैंक यू।